हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। घर में ठीक होंगे और मज़े कर रहे होंगे, ठीक है? खाना वाना खा रहे होंगे, आराम से खेल कूद कर रहे होंगे। ओके, तो आप 8th क्लास में आ चुके हो, ठीक है? और 8th क्लास में आपके साइंस भी आती है, ठीक है? तो साइंस का हम एक चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, उसको समझ लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आज जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है आपका फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है? ये फोर्स और प्रेशर क्या होता है क्या नहीं होता, इसको हम समझेंगे। ये चैप्टर इसलिए उठाया मैंने क्योंकि जो आप मैं चीज़ यहाँ पे बताऊंगा उसको आप खुद घर पे भी करके देख सकते हो, ठीक है? इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है, उनको आप करके भी देख सकते हो एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है? इसलिए मैंने इस चैप्टर को उठाया है, तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो बाकी बातें बाद में करते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग आपको जो पढ़नी है वो है आपका फोर्स। फोर्स क्या होता है, ध्यान सुनिए बेटा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, तो इट मीन्स इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो अगर इसको अच्छे से समझ करें तो क्या हो सकता है कि टू पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। दोबारा सुन लीजिए, टू पुश एंड पुल टू एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, ये आपका फोर्स कहलाता है, ठीक है? तो इसको अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, टू पुश एंड पुल टू एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है? किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना और पुल करना क्या कहा जाता है, उसको फोर्स कहा जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं इस कॉल्ड फोर्स, टू पुश एंड पुल टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए पुशिंग अ बॉक्स, या फिर पुशिंग अ कार, पुशिंग अ टेबल, या फिर पुलिंग खींचना अपनी तरफ, पुलिंग अ रोप और एनीथिंग, ठीक है? किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, ये फोर्स कहा जाता है। और अब एक और चीज देखें, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेट से मैंने लिखा है पुशिंग अ बॉक्स, मान लीजिए भी एक बॉक्स ही तरह से आप अज्यूम कर सकते हो, जब आप किसी भी बॉक्स को, इसको मान लीजिए यहाँ कोई ह्यूमन बींग है और ये कोई बॉक्स है, जब आप इसको पुश करोगे आगे की तरफ, ठीक है, तो ये आगे जाएगा, मीन्स आप इसको पुश कर रहे हो। पुश करना क्या और बोला जाता है, उसको फोर्स बोला जाता है। और जब आप इसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हो तो मतलब इसको आप पुल कर रहे हो, और पुल करना भी क्या कहलाता है, आपका फोर्स, ठीक है? तो टू पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो आप अगर उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो इट मीन्स जो फोर्स काम कर रहा है वो इंटरेक्शन की वजह से कर रहा है। इंटरेक्शन मतलब कॉन्टैक्ट में आना, ठीक है? और इंटरेक्शन में या फिर कॉन्टैक्ट में कब आते हो आप, अधिकतर जो भी आप फोर्स पढ़ोगे वो फोर्स वो होंगे जिसमें आप उनको इंटरेक्शन, जब आप उनके टच में आ रहे हो तब वो काम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हाँ बेटा, ऐसे भी फोर्स हैं जो बिना टच किए भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसको आप आगे की तरफ धकेलना है, एक तरीका है इसको आप टच करना पड़ेगा तभी आगे जाए। कुछ ऐसे भी तरीके हैं कि आप इसको टच भी नहीं करोगे ऑब्जेक्ट आगे भी चला जाएगा, ठीक है? वो हम पढ़ेंगे, थोड़ी बात की बात है, लेकिन अभी हमको देखना फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन, ठीक है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप टच करते हो, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का आप कॉन्टैक्ट में आ रहे हो और फिर उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, इट मीन्स आप फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो इंटरेक्शन की वजह से लग रहा है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब हमको देखना है एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्सेस, इसको जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है? मान लीजिए एक रोप है, एक रस्सी है, इधर दो ह्यूमन बींग खड़े हैं, ठीक है? इधर दो ह्यूमन बींग है, दो आपके कोई बच्चे खड़े हैं, इधर भी दो बच्चे खड़े हैं, ठीक है? ये दोनों इस रोप को, रस्सी को फुल तेजी से, बराबर तेज, जितनी तेजी से ये खींच रहे हैं इस रस्सी को, उतनी ही तेजी से ये दोनों भी बच्चे अपनी तरफ इसको खींच रहे हैं। मतलब जितनी तेजी से ये खींच रहे हैं उतनी तेजी से ये खींच रहे हैं। तो कोई पूछे, आप बताओ ये रस्सी किधर जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये भी इतनी तेजी से खींच रहा है और ये भी इतनी तेजी से खींच रहा है, तो ये रस्सी ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, ये बीच में रुकी रह जाएगी बिल्कुल से। लेकिन क्या करते हैं, अब मान लीजिए इनमें से एक, ये वाला जो बच्चा है, ये छोड़ के चला जाता है, ठीक है? इसने रस्सी को छोड़ दिया है। अब रस्सी किस तरफ जाने लग जाएगी, अब रस्सी इस तरफ जाने लग जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था अब वो फोर्स कम हो गया है, मतलब फोर्स आपका सब्ट्रैक्ट हो गया है। यहाँ पर दो है, अब यहाँ पर एक ही रह गया, ठीक है? तो यहाँ पर फोर्स कम लग रहा है, इसलिए आपकी जो रस्सी है वो इस तरफ जाने शुरू हो जा रही है, ठीक है? अच्छा, इसको तो बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, या फिर डिक्रीमेंट ऑफ फोर्स, कुछ ही बोल सकते हो आप, मतलब फोर्स का कम होना, ठीक है? अब क्या करते हैं, मान लीजिए एक और बच्चा वापस यहीं से यहाँ पे आ जाता है
और ये अपने साथ एक और बच्चे को ले आता है। अब क्या है, तीन बच्चे इधर है, दो बच्चे इधर है। अब आप बताओ रस्सी किधर जाएगी अगर इस बराबर तेजी से खींचेंगे। तो आप बोलोगे सर अब जो रस्सी है वो इस तरफ जाने शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर एक और बच्चा आ गया है, अब वो ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे तीनों तीनों मिलकर। मतलब फोर्स ज़्यादा लग रही है, इट मीन्स यहाँ पर जो फोर्स है वो ऐड हो चुकी है, वो फोर्स जुड़ चुकी है। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया जहाँ पर आपकी फोर्स कम होती, जहाँ पर एक बच्चा छोड़ के चला गया था। ठीक है, वो हमने केस बोला था सब्स्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, या फिर डिक्रीमेंट ऑफ फोर्सेस। लेकिन वहीं हमने देखा था इस दूसरे वाले एग्जांपल में कि आप वो अपने साथ एक और बच्चे को एक और बच्चे को ले आया था, तो तीन बच्चे इधर हो गए थे, दो बच्चे इधर, तो अब ये ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ उसको खींच पाएंगे, तो अब जो रस्सी उस तरफ जाएगी। मीन्स आपके फोर्स जो है अब ज़्यादा लग रहे। क्यों? क्योंकि अब फोर्स ऐड हो चुके हैं, एक और बच्चा आ गया है तो फोर्स ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपका फोर्स, फोर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन और एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स। कोई भी डाउट हो वो आप मुझे बता सकते हो व्हाट्सअप में। ठीक है, ओके, इसको पढ़े आराम से और आराम से घर पर मजे करें। ठीक है, थैंक यू।